दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सोलर पैनल वॉश आउट लाइन करने के बारे में बताऊंगा। दोस्तों केवल 2 से 3 मिनट में आप आसानी से दोस्तों कैसे इसको पैनल को आप साफ कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, और इसका पाइपलाइन करने के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब पैनल आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारा डस्ट जम चुका है। मतलब तो क्या पैनल में अगर डस्ट जम जाता है तो काम नहीं करता है, और तो इसीलिए आपको इसका वॉश आउट लाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका वॉश आउट लाइन करने के लिए मैं ये सब सामान लाया हूँ जो जो लगता है। तो यहाँ पर ये सब आप देख सकते हो, शावर नोजल मैं लाया हूँ इसका वॉश आउट करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 12 पैनल है, तो इसके लिए मैं 12 शावर नोजल लाया हूँ। तो ये सब को मैं लगाऊंगा, और उसके बाद में ये बॉल वाल्व और एल्बो टी क्लैंप ये सब भी मैं लाया हूँ आप देख सकते हो। तो ये सब क्लैंप वगैरह कहाँ पे लगाना है ये सब के मैंने आपको डिटेल्स में बताऊँगा। दोस्तों पानी का लाइन जो है मैं इसका मोटर लाइन से लेने वाला हूँ सोलर पैनल का, तो इसीलिए यहाँ पर मोटर लाइन में काट कर यहाँ पर टी मार दिया हूँ सैंपल में। यहाँ पे बॉल बल्ब आप देख सकते हो, 2 बॉल बल्ब चाहिए इसके लिए मुझे, तो बॉल बल्ब मैं ऐसे लगा दिया हूँ। अंत में इसको मैं फिक्स करूँगा। तो उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले मुझे दोस्तों ये शावर नोजल है इसमें मुझे टेप्लॉन टेप देकर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसे ही आपको टेप्लॉन टेप देकर इसका नोजल को लगा लेना है, नहीं तो क्या है दोस्तों ये सब लीकेज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप हल्का टेप्लॉन टेप देकर सब लगा लीजिए पहले। और दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। और आप लोग अगर अब इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसको प्रेस करके यहाँ पे, उसके बाद में इसको मैं लगा देता हूँ उसको दोस्तों, क्योंकि तीनों साइड में मुझे टेम्पल टेप लगाना है। तो इसीलिए और टेम्पल टेप लगाने के बाद में दोस्तों जस्ट आपको हाथ देकर इसको आपको टाइट कर देना है। इसमें आपको पाना पकड़ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक का नोजल है, तो आसानी से आप हाथ से ही आप इसे टाइट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, तो इसको मैं एल्बो के साथ में आप लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं PVC का थ्रेड एल्बो लाया था 1/2 इंच का, तो ब्रास एल्बो भी आप लगा सकते हो, लेकिन ब्रास एल्बो क्या है काफ़ी कॉस्टली महंगा पड़ता है, तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पे PVC एल्बो मंगाया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो क्लैंप है दोस्तों, क्लैंप ये पैनल में एक ये आता है, इसमें मैं लगा दिया हूँ दोस्तों पैनल के साथ में। आपको ऐसे लगा देना है, उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, नाट को जो है वाइसर देकर आपको ऐसे नाट को टाइट कर देना है। तो क्या है दोस्तों, और जहाँ जहाँ पर दोस्तों मतलब ये पैनल यहाँ पर टोटल दोस्तों 12 पैनल आएगा, तो हर एक का सेंटर में मैं इसको क्लैंप लगाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ही मेरा मुझे दोस्तों सोलर जो है नोजल यहाँ पे मुझे लगाना है इसको वॉश आउट करने के लिए। तो जहाँ हर एक जो दोस्तों पैनल है उसका सेंटर में मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। और ये जो पैनल है एक एक पैनल दोस्तों 40 इंच का है, इसको मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पे पहले। यहाँ पे टी देकर सभी नोजल का मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका टुकड़ा लगा देता हूँ और ये टी को सीधा कर लेता हूँ। तो पूरा लाइन जो है दोस्तों 1/2 इंच का कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं इस टी में भी मैं लगा देता हूँ फटाफट और इसको पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सेंटरिंग वायर से इसको बांध रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर भी इसका मतलब बांधने का पोजिशन आ रहा है वहाँ पर मैं इसको बांध रहा हूँ। हर एक इसमें यहाँ पर इसका एंगल जो है एंगल में पाइप के साथ में सेंटरिंग वायर से इसको बांध रहा हूँ, ताकि दोस्तों पाइप नड़े ना जब इसको पानी चालू करूँगा, और बहुत मजबूती से काम रहे। तो और जहाँ पे भी इसका शावर नोजल आएगा वहाँ पे इसका सेंटर में क्लैंप लगाया हूँ, तो उसके साथ में मैं सेंटरिंग वायर के साथ में दोस्तों इसका नोजल को भी बांध दूँगा। तो क्या है दोस्तों, कोई दिक्कत ना होगी जब पानी में इसका चालू करूँगा, क्योंकि ये जो मोटर लाइन के साथ में कनेक्टेड है कनेक्शन है इसमें प्रेशर भी काफ़ी आएगा। तो इसलिए आपको जितना हो सके अच्छे से आपको दोस्तों सेंटरिंग वायर से बांध देना है, क्योंकि पैनल के साथ में तो आप क्लैंप ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको सेंटरिंग वायर का यूज़ करना है। और वो जो क्लैंप है, क्लैंप जो मैंने आपको पहले लगाकर बताया था, उसको आपको अटैच कर देना है सही से, और हर एक शावर नोजल के साथ में आपको लगाना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो है शावर नोजल को मैं लगा दिया हूँ यहाँ पे इसके साथ में। अब मैं आपको क्या करूँगा दोस्तों, इसको मैं बांध देता हूँ नोजल के साथ में इस क्लैंप को भी। तो केवल 2 से 3 मिनट में दोस्तों इसको वॉश आउट करने के बारे में आपको बताऊँगा और आपको पानी भी चालू करके बताऊँगा और देखूँगा ये दोस्तों वॉश आउट सही से कर पाता है या नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें भी मैं इसका सेंटरिंग वायर को लगा देता हूँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं 2 बल्ब जो है बॉल वाल्व को मैं फिक्स कर देता हूँ। तो जब मोटर में दोस्तों मतलब जब टैंक में पानी भरेगा उसके लिए दोस्तों टैंक के लिए अलग बॉल वाल्व और ऊपर शावर पैनल में पैनल का लाइन के लिए अलग बॉल वाल्व। जब टैंक में पानी भरेगा तब आपको दोस्तों टैंक का क्या है बॉल वाल्व आपको चालू रखना है। उसके बाद में जब आप सोलर पैनल का वॉशआउट लाइन जब यूज करेंगे तो आपको क्या करना दोस्तों टैंक का बॉल वाल्व बंद कर देना। उसके बाद में आपको सोलर पैनल वाला बॉल वाल्व आपको चालू कर देना है उसके हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सभी सोलर पैनल का सेंटर में मैं इसका शावर नोजल को लगा दिया हूँ और उसको सही से क्लैंप से मतलब सेंटरिंग वायर से क्लैंप के साथ में अटैच कर दिया हूँ। और यहाँ पे ये सब आप बॉल वाल्व देख सकते हो दोनों के लिए, एक टैंक का इनलेट के लिए और दूसरा सोलर पैनल का इनलेट के लिए। तो यहाँ पे जब क्या टैंक में पानी भरेगा तब आपको सोलर पैनल का आपको बॉल वाल्व बंद रखना है। उसके बाद में जब आप सोलर पैनल आप वॉश करोगे तब आपको टैंक का इनलेट का बॉल वाल्व आपको बंद रखना है और सोलर का वाला चालू रखना है। तो क्या दोस्तों 2 से 3 मिनट में यहाँ पे ये आसानी से इसका वॉश आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आप पानी चालू करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सोलर पैनल का जो है ये सब जो है नोजल सब में कम्प्लीट हो चुका है। लगभग 12 नोजल मैं पूरा लगा दिया हूँ सब में। और मैं अभी आपको इसका यहाँ पे आप देख सकते हो टैंक का मोटर चालू करने के बाद में टैंक का क्या है बॉल वाल्व मैं बंद कर दूंगा और शावर सोलर पैनल का जो है बॉल वाल्व इसको मैं चालू कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इसका वॉश आउट हो रहा है दोस्तों, जितना भी धूल मिट्टी सब पानी के साथ में बहकर चला जाएगा केवल 2 से 3 मिनट में। और पहला बार वॉश करते समय क्या है दोस्तों इसको थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम अच्छे से साफ होने में 5 मिनट लगेगा। तो एक बार साफ होने के बाद में दोस्तों ये तुरंत ही साफ़ हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारा अगर धूल जमा होता है तो उसको साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको दोस्तों हफ्ते में 1 से 2 बार ऐसे आपको केवल 2 मिनट बॉल वाल्व चालू करने के बाद में इसको आपको साफ कर लेना है। तो क्या दोस्तों आपका सोलर पैनल सही से काम करने लगेगा और उससे क्या है दोस्तों आपको बहुत सारा आपका बिजली का बिल भी इससे सेफ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कितना शानदार लग रहा है और कितना आसानी से ये जो है इसका सोलर पैनल का मिट्टी बहकर जा रहा है और बिल्कुल भी यहाँ पे कचरा नहीं रहेगा सोलर पैनल के साथ में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों मतलब पहला बार पानी चालू करने के बाद में जितना भी नोजल है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे कचरा रह गया है। लेकिन एडजस्ट करने के बाद में अगर सही से यूज़ करेंगे तो क्या 1 से 2 मिनट में ये पूरा साफ हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।